ओके गाइस, स्वागत है आपकी सीधी बात नो बकवास में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज 10 का जो न्यू लेटेस्ट वर्शन आया है क्रिएटर अपडेट, उसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं इजी तरीका बताऊंगा, कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आप अपने पीसी में कौन सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें गूगल ओपन कर लीजिए, ठीक है। और गूगल में जस्ट टाइप कीजिए विंडोज 10 डाउनलोड इस तरह से, और फर्स्ट लिंक को ओपन कर लीजिए। ये एक पेज खुल जाएगा, आप देख सकते हैं विंडोज 10 क्रिएटर अपडेट नाउ अवेलेबल, डाउनलोड अपडेट नाउ पे क्लिक कीजिए। ये सिंपल सा टूल आपके पीसी में डाउनलोड होगा, उसको सेव कीजिए। एक टूल है, छोटा सा टूल, इसको सेव कर लीजिए। ओके, ये डाउनलोड हो गया है। अब ये आपको इस तरह से आइकॉन आएगा, यहाँ पे आपको इसको जस्ट डबल क्लिक करना है, ठीक है। इस आइकॉन को डबल क्लिक कीजिए और सेटअप स्टार्ट होगा। तो विंडोज 10 आपका सेटअप है, सिर्फ अपडेट नाउ पे क्लिक करना है आपको। ओके, सीपीयू ओके, मेमोरी ओके, एवरीथिंग इज ओके, नेक्स्ट। और ये आपका इंस्टॉलेशन अपडेट चालू हो गया, ये डाउनलोड कर रहा है आपका क्रिएटर विंडोज 10 क्रिएटर अपडेट। सो डाउनलोड का जो स्पीड है आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फील करो यार बोर वगैरह, ठीक है। तो बोर नहीं करते हैं, इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 87% पे आ गया है, तो डाउनलोड स्पीड लगेगा 1-2 घंटा मेरे ख्याल से, शायद 99% पे आ गया है अभी। तो ये फिर से वेरीफाई करेगा कि डाउनलोड ठीक से हुआ है नहीं है, ये वेरीफाई चल रहा है। आप देखिए 99% होने के बाद फिर से वेरीफाई चल रहा है। तो मैं बाद लास्ट में बताऊंगा कि कितना टाइम लगा मुझे सब चीज़ करने के लिए, कितनी स्पीड मैंने यूज़ की थी और कितना टाइम लगा। तो ये भी फाइनली हो रहा है। ओके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पीसी को, जब ये डाउनलोड हो रहा है तो आप कहीं बाहर भी जा कह सकते हैं, मगर सिस्टम मत कीजिए। आप जो है ना पीसी को आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको मिनिमाइज़ करके जब तक ये डाउनलोड हो। तो मेरा टोटली डाउनलोड हो चुका है, अब ये इंस्टॉलेशन पे आके रुक गया है। ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा 29 मिनट के बाद, लेकिन 29 मिनट वेट क्यों करें, अभी से रिस्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम जब तक ये डाउनलोड हो, लेकिन अभी आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना है, इसके बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। सो ठीक है, चलिए सिस्टम रिस्टार्ट पे क्लिक करते हैं, रिस्टार्ट नाउ पे। ओके, और ये देखिए यू आर अबाउट टू बी साइन आउट। ओके, मैं क्लोज कर दीजिएगा इसको। ओके, और बस ख़त्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठना है, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जो आपका मन करे बस आराम से बैठ जाइए। बस आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत बार रीस्टार्ट हो जाएगा आपका पीसी। तो डरिए मत, आपके जो है ना आप पीसी को जो है बंद मत कीजिएगा, लैपटॉप पीसी जो भी है उसको बंद मत कीजिएगा जब ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसका अपना काम करने दीजिएगा, इसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, ये अपना पे सब कर लेगा, खुद से कर लेगा, ठीक है। तो ये 99% हो गया, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जैसे मैंने कहा मैंने बोर नहीं करना चाहता हूँ किसी को। तो हो गया, ओके, ये मेरा आ गया स्क्रीन, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और लोकेशन वगैरह बाद में सर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, कटो ना, ओके यार अभी नहीं चाहिए नेक्स्ट। तो ये फाइनल स्टेज है, बस यहाँ से उम्मीद है मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन जल्दी आ जाएगा। ओके, ये फाइनल स्टेज है, अभी आ जाओ। ओके डन, अभी देखिए वेलकम टू विंडोज 10 क्रिएटर अपडेट। तो मैंने सक्सेसफुली विंडोज 10 का क्रिएटर अपडेट अपने पीसी में इंस्टॉल किया है, और द बेस्ट बात यह है कि मेरे कोई सॉफ्टवेयर नहीं अनइंस्टॉल हुए हैं, ना कोई ड्राइवर चले गए हैं, ना कोई ऐप चले गए हैं, ना मेरी कोई सेटिंग इधर उधर हुई है, जैसा था वैसे ही है। इवन मेरा डेस्कटॉप के आइकॉन भी वैसे ही है। तो ये बेस्ट थिंग है कि आपको नया अपडेट करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या ओएस इंस्टॉल करते हैं तो हमें फिर से ड्राइवर डालने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं, उस तरह का कोई मसला नहीं है। जैसा आपका पीसी था वैसे ही रहेगा, कोई आपका सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा, कोई आपके एप्लीकेशन नहीं जाएंगे। तो बस आसान सा तरीका है, मगर ये डाउनलोड स्पीड जो है ना, मैंने 4 Mbps की स्पीड इंटरनेट स्पीड यूज़ की है, मुझे 3 आवर लगे हैं इंस्टॉल डाउनलोड करने के लिए। तो 4 Mbps स्पीड पे 3 आवर्स मुझे डाउनलोड के लिए टाइम लगा है। तो इस तरह से आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कितना आपको टाइम लगेगा।
ये चीज़ करने में, इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करने में। सो सिंपल सा तरीका है, अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।